हाँ जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का हमारा इवेंट क्लास का एनुअल डिनर है। एनुअल डिनर पे रोटी छोटी का इंतज़ाम होता है, बहुत सारे सेगमेंट्स हैं डिनर से पहले, उन सब की जो है कवरेज के लिए आपका भाई हाजिर है। सबसे पहले इस थोबड़े को जो है ना डिनर के काबिल बना लेते हैं कुछ खाने पीने के। तो वैसे तो ये 24 घंटे काबिल ही काबिल होता है, मुझे जो है ना हर वक्त ही खाने की तलब ही रहती है, लेकिन कुछ ना कुछ जो है अपना थोड़ा हालत संवार ली जाए। तो मिलते हैं भाईजान आपसे हालत संवारने के बाद। नाज़रीन, मैं हो गया हूँ तैयार, चलते हैं मेन्यू की तरफ। कोई धूप नहीं है लेकिन मैंने सन ग्लासेस लगाई हुई हैं क्योंकि अपन को कूल दिखने का है। ऊबर वाले चाचा का कहना था कि आपके हॉस्टल की तरफ बहुत रश है तो आप लोगों को मेरे पास आना पड़ेगा, इसलिए अपने हॉस्टल से लक्ष्मी चौक तक हमें पैदल ही चलना पड़ा और 10-15 मिनट की जलालत के बाद बिल आखिर ड्राइवर साहब मिल ही गए और हम जोर टाउन की तरफ रवाना हो गए। जी तो नाजरीन, आखिरकार हम लोग पूरे साल की मेहनत के बाद अभी अपनी मंजिल की तरफ रवान दवा हैं। हमारे साथ हैं भाई एहसान कमर भाई और उजैर भाई। एहसान कमर भाई से पूछेंगे कि उन्होंने कितने दिन से खाना नहीं खाया इस इंतज़ार में, कितने दिन हो गए उनको? एक दिन हो गया, यानी ना उन्होंने नाश्ता किया है, ना उन्होंने दोपहर को कुछ खाया है और ना ही अब कुछ खाया है। वो भाई भूखे पेट जा रहे हैं और उनका यही मानना है कि जो है ना भूखे पेट ही जाना चाहिए, ग्रेलिन की सिक्रीशन मैक्सिमम होनी चाहिए। और उस वक्त जाके उन्होंने अपना पूरा 1300 रुपये जो है ना उन्होंने वसूल करने हैं खुद। नाजरीन आप देख सकते हैं मैं इस वक्त गाड़ी में हूँ, यहाँ पे कोई धूप भी नहीं है लेकिन फिर भी मैंने सन ग्लासेज लगाई हुई हैं क्योंकि मुझे कूल दिखना है बस। उजैर ने भी तकरीबन कोई 4-5 दिन हो गए हैं, उसने भी खाना नहीं खाया, 4-5 दिन से फाका कर रहा है। थोड़ा थोड़ा खाना खा रहा हूँ ताकि मुझे इकट्ठी ना एक अच्छी सी भूख लगे। थोड़ा थोड़ा करके खा रहा है, वो क्यों खा रहा है? कि जिंदा रहने के लिए बस। इसकी सेहत आप देख सकते हो, ये सेहत किसी और वजह से कमजोर नहीं हुई, वो वजह नहीं सोचनी आपने, वो गलत है। थोड़ा पॉजिटिव सोचो कि भाई ने खाना नहीं खाया 4-5 दिन से। वैसे नाजरीन, लड़कियों की तैयारी और लड़कों की तैयारी में बहुत फर्क होता है। लड़कियां बैठती हैं एक बार तो फिर बैठ ही जाती हैं, कोई 2-3 घंटे 4-5 घंटे लगा के उठती हैं। हम लोग क्या, हमारी तैयारी होती है, ये मैंने आज 20 रुपए की वो बनवाई है, खत बनवाया 20 रुपए का, यकीन करो। और बस बाल भी बस कटवाए हुए थे, पहले के कटवाए हुए थे, बस ये मेरी तैयारी है नाज़रीन। एक बार मैंने ना आके ये कपड़े पहन लिए हैं। शुक्र करता हूँ अल्लाह का कि अल्लाह ने मुझे लड़की नहीं बनाया कि कहीं मुझे जो है ना 4 घंटे शीशे के आगे नहीं बैठना पड़ गया। 15 मिनट में मेरी तैयारी पूरी हो गई है। आवाम को जरा मेन्यू बताएं, आज का हमारा मेन्यू क्या होगा? सीख कबाब है, वो उजैर भाई का स्पेशल एक रेस्टोरेंट है इधर, उजैर रेस्टोरेंट अल खैर उजैर रेस्टोरेंट है, उसकी तरफ से जो है सीख कबाब हमारी उसमें एनुअल डिनर में आ रहे हैं ना उजैर भाई। हमारे साथ एहसान भाई हैं, उनका भी एक रेस्टोरेंट है, उसका नाम है या अल्लाह खैर रेस्टोरेंट। उधर से हमारे लिए खास तौर पे सीजी आ रही है जो कि बलोचिस्तान की खास सौगात है। मेरा एक रेस्टोरेंट है नाजरीन, ये जितना भी जिधर हम जा रहे हैं वो रेस्टोरेंट मेरा है। क्या नाम है यार मेरे रेस्टोरेंट का? मुझे नाम इस वजह से नहीं याद क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह 360 मुल्कों में जो है ना मेरे रेस्टोरेंट, 360 मुल्क हैं, 360 मुल्कों में खाबों में मेरे रेस्टोरेंट है नाजरीन। इन रेस्टोरेंट्स की इतनी कमाई है कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह लाखों करोड़ों रुपए कमा कर सहराए चौलिस्तान में 2 मुरब्बे जमीन खरीदी है, दरियाए सिंध में मेरी 3 मुरब्बे जमीन पड़ी हुई है नाजरीन। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। नाजरीन किनाल रोड के साथ साथ से हम लोग जोर टाउन की तरफ गामजन है। लाहौर की खूबसूरती गोल्डन आवर के वक्त अपने अरूज पे पहुंची होती है। भाईजन क्या नाम है आपका? हसन भाई ने जिंदगी में बहुत स्ट्रगल की है और इन्होंने वैगनार लिया अपनी, माशाल्लाह।
फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं टोपेज मार की। हसन भाई का बहुत शुक्रिया। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि लौंडे जो है वो जाए वकुआ की तरफ रमान दबा रहे हैं। मोहम्मद अनस माशाल्लाह हमारे सीआर का नाम लिख के आ रहा है। नाइस नाजरीन आप देख सकते हैं मोहम्मद अनस जायद M3 माशाल्लाह नाइस। चलो ये दरवाजा खोलो मेरे लिए, थैंक यू। हम तो जल्दी नहीं आ गए, हम जल्दी आ गए हैं या वहां लेट है? माशाल्लाह वेरी नाइस अब्दुल हई साहब, बहुत प्यारे लग रहे हो माशाल्लाह यार, बहुत प्यारे लालम लाल हो गए हो आज। यहाँ पे हम अब आपकी अदालत का आगाज करने लगे हैं। आज की चौथी और इंतहाई दर्दनाक खबर, गर्ल्स हॉस्टल में लड़कियों को बगैर मेकअप देखकर 500 चूहों ने अपनी नब्ज काट ली। ये नाजरीन आप देख सकते हैं रोटी आ रही है, रोटी को देख के आपके जज्बात कैसे हैं? मुझे रोटी को देख के तो मैं आया ही इसी के लिए यहाँ पर, मैं तो आया ही रोटी का। गोद में आसमान से कूद तमाम व्यूअर्स जो ने इवेंट ऑर्गेनाइज करने में हेल्प की, सेगमेंट्स के लिए पार्टिसिपेट किया, सबके लिए एक राउंड ऑफ अप्लॉज होना चाहिए। दिलों का सीआर, दिलों का सीआर।
पैसे भरे हैं पैसे। छब्बीस सौ पूरा करना है। दो दिन से बुखार आ रहा जी। दो दिन से बुखार। दो दिन से आखिर वो दिन आ गया। नाज़रीन प्रो टिप ये है, ये आपने नहीं पीने जब तक आप खा रहे हैं, नहीं तो आपका पेट भर जाएगा। तो बाप रियली बस करो यार, बस करो, खुदा का वास्ता है, बस करो यार। कितना पूरा नहीं होया भाई, भाई बस करो यार, कितना खाना है यार, प्लीज भाई बस करो यार। जी राणे जी रोटी खाई है यार? तबीयत खराब हो गई थी लेकिन मैंने 10-15 बोटियां, 5-6 कबाब और इवन 1 किलो चावल तो खा लिए होंगे। पैसे दिते सी भाई, मैंने पैसे दिते ने। 1300 दिता सी, तू तो 2600 वसूल कर रहा सी। राणा जी आप प्ले बड़ा अच्छा परफॉर्म किया आपने जी भाई, और आप प्यारे भी लग रहे हो। बंदे की तीसरी प्लेट है और ये रुकने का नाम ले ही नहीं रहा। चौथी प्लेट सिर्फ आइसक्रीम के लिए गया। चौथी है। कितनी कितने पैसे वसूल कर लिए हैं? 1300 में 1600 से ज्यादा ही हो गया। 1600 से ऊपर किए गए नाजरीन, ये करप्शन हो रही है। ये तीन बंदों का खाना खा चुका है। तीन बंदों का अकेले ने खा लिया खाना। गुजरा वाला से आना नाजरीन, किया गया पूरी परात उठा के ले आया है। पूरी परात, पूरी की पूरी परात उठा के ले आया है, जो है ना रुकने का नाम नहीं ले रहा नाजरीन ये। लेकिन ये भाई ने काफी हाथ औला रखा हुआ। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, शर्म तुमको मगर नहीं आती। काबा किस मेहनत के बाद ये देखो नाजरीन, ये देखो आप, ये तो इधर सब कुछ खत्म खत्म है यहाँ पे। इतनी मेहनत के बाद अस्तगफिरुल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह, इतनी मेहनत के बाद प्ले की खाना बनता है। ओके, कितने मेहनत का प्ले, बड़ी मेहनत की। मैंने पूरा प्ले लिखा है। हाँ मुझे पता है। 1300 हलाल करना है कुछ इनके लिए, तो बचाओ ना, ये भी खाने आए। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, रोटी हलाल करो 1300 हलाल करो। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट फिटेस्ट। भाई को भी खराब कर दिया इस भाई को भी, देख सकते हैं ना दे। ए देखो ए जाया की थी पे, ए देखो ए एक चौकी प्लेट है, बहुत चौकी प्लेट है, चौकी पहली प्लेट है। ये बता रहा है कि इसकी 100 प्लेटें हो गई हैं, 1 किलो इसने ये खा लिया, साथ में ये पाड़ी खड़ा है। नहीं नहीं सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देख सकते हैं चौथी प्लेट है, ये भाई की पांचवी प्लेट है इसकी, और ये वाला भाई जो है ये पहले ले गया, ये पहले ले गया। अनंत भाई आपने खाया ही नहीं है, पेट खराब है जी। वासे भाई क्या कहना चाहेंगे? ऊंचा बोल राणा साहब, वी लव यू, वी लव यू राणा साहब, वी लव यू राणा, लव यू टू। सर आपके हाथ में कोई प्लेट सिलेट नहीं नजर आ रही भाई, मैं इधर तक हो गया हूं बस। मेरे 2600 पूरे हो गए। कोकोमो हमें भी दो। दो चम्मच डाल दिया बस, जी, एक ही है। जी, आप पहले बहुत स्वीट है, आपको शुगर हो जाएगी। क्या दोबारा कहना? आप पहले बहुत स्वीट है, शुगर हो जाएगी। फाइनली गाइस, हमारा जो एनुअल डिनर का फंक्शन है वो अपने इख्तितामी मराहिल तय कर रहा है। मेरे साथ है मेरे रूममेट हाशिर भाई और साथ में है उदैर भाई। इनसे पूछेंगे कि इन्होंने क्या अपने पैसे पूरे किए हैं, इतना खाया है? हाँ पैसे पूरे कर लिए हैं। अदनान ने हमें सिखाया था कि अगर आप 1300 पे करेंगे तो आपने अपने 2600 पूरे करने, और अल्हम्दुलिल्लाह 3900 पे करके जा रहे हैं। 3900 पूरे करके जा रहे हैं। उफ, उफ, आपने कितने पैसे वसूल किए हैं? मैं 5000 से कम तो ये ते नाल शापर के लिए आया सी। शापरों में तो नहीं खाना पैक कर लिया आपने? पाए लेके आए हैं यार शापर। नाजरीन ये बंदा शापर तक साथ लेके आया कि मतलब कि बिल्कुल इसने कोई मौका छोड़ना ही नहीं है अपना के, मतलब भी हर लिहाज से हर तरफ से जो है ना हाथ मार ले हाथ मार ले। कोट चेक करो, कोट चेक करा यार, शापर ही नहीं करने। शापर चुप नहीं है। मेरी परफॉर्मेंस कैसी? परफॉर्मेंस माशाल्लाह, आप हमारे जो एक एक भाई तुम्हारा टैलेंटेड रूममेट है, इतना जो हर एक्ट कर लेता है, हर चीज में पार्टिसिपेट करता है। अच्छा
ये हमारे सिंगर भाई हैं, वो हमारे जो है वो मल्टी टैलेंटेड हैं, सब कुछ मल्टी टैलेंटेड है, मैं सिंगर भी हूं आज। यहाँ पे हम लोग ब्लॉग एंड कर रहे हैं, हम लोग अपने रूम में आ गए हैं। इस हद तक थकावट हो रही है कि बस मेरा दिल कर रहा है कि मैं ढह जाऊँ तो मैं सह जाऊँ। आपका भी यही दिल कर रहा है? नहीं, मैंने तो अभी मोबाइल यूज़ करना थी मेरा। अभी फिजियो का ट्यूटोरियल बस भाई, ये स्नेक और थीटा, हमें ये है सोच के सो जाना है। हमें ये है कि हमने रेस्ट करना है, हमें ये है कि हमने जो है अपने आप को रिफ्रेश करना है, हमें ये है कि हमने अपनी थकावट को दूर करना है, और भाई को ये है सुबह फिजियो का ट्यूटोरियल है। नाजरीन, आपको अल्लाह खुश रखे, जो जो व्लॉग देख रहा है आप सबको अल्लाह पाक खुश रखे। अपने भाई को भी दुआओं में याद रखना है और इनको भी याद रखना है दुआओं में। ये मेरे रूम मेट्स हैं, ये मेरा प्रोफ का रिजल्ट आने वाला है, प्रोफ का रिजल्ट आने वाला है, उसके लिए खसूसी दुआएं, खसूसी दुआओं की जरूरत है, खसूसी। मैं आपसे इजाजत चाहूंगा इसी बात के साथ, दुआओं में याद रखें भाई को। उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज़।